नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, अभी हम लोग जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर हैं और जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट 5 साल बेमिसाल अपने सेलिब्रेट कर रहा है। बात करेंगे जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर से कि जहांगीर फाउंडेशन किस प्रकार से 5 साल बेमिसाल सेलिब्रेट कर रहा है। इन 5 सालों में जहांगीर फाउंडेशन ने किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की और कितने लोगों को अपनी मदद पहुंचाई, आइए बात करते हैं जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर से तारिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय बुलेटिन में। थैंक यू सर, थैंक यू। तारिक साहब, जानना चाहेंगे जहांगीर फाउंडेशन अपने 5 साल बेमिसाल मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, इस पर आप क्या रोशनी डालना चाहोगे कि किस प्रकार की उपलब्धियां जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट ने हासिल की है। संजय सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। पिछले 5 सालों में हमने उपलब्धियां तो कभी ऐसी चीज़ है, उपलब्धि तो कभी ख़त्म होती नहीं, कामयाबी तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कामयाबी की आगे तक कामयाबी इंसान के साथ लगी रहती है। तो उपलब्धियां ये सबसे पहले कह लें कि जब 2019 में जनवरी में मैंने जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट की ओपनिंग की, इसकी बुनियाद रखी, उस टाइम कुछ भी नहीं था और आज इन 5 सालों में बहुत कुछ है, बहुत सारे कार्य हैं सैकड़ों की तादाद में। 2019 में जब हमने NGO बनाया था उसके एक साल के फौरन बाद आप देखते हैं कि आपदा का दौर था, कोरोना वॉरियर्स कोरोना काल पूरे देश के अंदर आया और उस दौर में जब लोगों को अपने जान के लाले पड़ रहे थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था और 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, इस तरह के नारे दिए जा रहे थे, तब हमारी संस्था जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट लोगों के पास परमिशन लेके आइडेंटिटी कार्ड्स के ज़रिए और परमिट कार्ड के ज़रिए लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे पूरे एक साल तक। ये आप कोरोना की बात कर रहे हो, कोरोना में कोरोना काल में आपने जो काम किया। यस, क्योंकि एक साल के बाद 2019 में तो हमने अपने इस NGO से एक स्कूल को हमने रन किया, एक स्कूल बनाया द फर्स्ट टाइप पब्लिक स्कूल के नाम से, फिर उसी एजुकेशन पर ही हम काम करते रहे क्योंकि हमारी संस्था का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है वो शिक्षा के ऊपर है, पढ़ो और पढ़ाओ। लेकिन उसके एक साल के बाद जब लॉकडाउन लगा और तालाबंदी में तमाम स्कूलों को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बंद कर दिया, तो वो टाइम पर ज़रूरत थी लोगों को राहत पहुंचाने की, लोगों को सूखा राशन पहुंचाने की, उनकी मदद करने की, तो उस टाइम पर सही मायने में हम उतरे पूरी तरह। जहांगीर फाउंडेशन, अब जहांगीर फाउंडेशन की भूमिका उस समय शुरू हो चुकी थी कोरोना काल से। हाँ बिल्कुल सर जी। और एक्चुअली जब कोविड कोरोना लगा, जब लॉकडाउन लगा, तो मैं दिल्ली से बाहर था, उत्तर प्रदेश में था मैं उस समय जी। तो अचानक ये मैसेज आया कि भाई अभी कोविड आ गया और आप सब लोग अपने घरों में रहें, तो मैंने वहाँ तकरीबन 2 महीने 10 दिन तो मैं उत्तर प्रदेश में रहा और वहाँ मैंने बहुत जो है सोशल वर्क जो पॉसिबल था उस एरिया के अंदर, वहाँ हमने सोशल वर्क को अंजाम दिया, लोगों को सूखा राशन के साथ साथ सब्जियाँ और जो भी फैसिलिटीज़ मैं दे सकता था वहाँ पर लोगों को वो मैंने दी। फिर दिल्ली आया, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद दिल्ली में फिर हमने बहुत, और बस सब अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, एहसान मेरे मालिक का, कि कई हज़ार लोगों को हमने राशन उस समय हमारी संस्था के ज़रिए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और लगे रहे लोगों की मदद में। तारिक साहब, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट अभी कहाँ पे इस्टेब्लिश है और किस प्रकार से अपने विकास को लेकर या जो उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है या जो विकास की ओर बढ़ रहा है या कहें कि मदद की ओर बढ़ रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, उस तरफ अग्रसर है जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट, तो कुछ रोशनी डालना चाहोगे आप कहाँ पे अभी कहाँ पे इस्टेब्लिश आई। संजय सर, और कैसे कोई मदद ले सकेगा इससे? हमारा NGO दिल्ली साउथ दिल्ली में है, बदरपुर असेंबली का वार्ड है, जैतपुर बदरपुर विधानसभा तो बदरपुर विधानसभा के जैतपुर वार्ड में, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में हमारी ये NGO यहाँ काम कर रही है और पर्सनली अपनी लोकली इसको खड्डा कॉलोनी भी कहते हैं। हाँ, वो खड्डा कॉलोनी कह देते हैं सब ऑटो वाले लोग जो ये सब।
तो उसमें यहाँ पर हम एजुकेशन पर ही काम कर रहे हैं सर, और एनजीओ अभी इसी एरिए के अंदर काम कर रही है अपने फंड से, अपनी मेहनत से हम खुद इसको अपना रन कर रहे हैं, अपनी एनजीओ को चला रहे हैं। और जैसे जैसे 2021 में 22 में हमने, क्योंकि स्कूल पूरी तरह बंद थे और जो इजाज़त मिली कोविड की गाइडलाइन के तहत, तो उस तरह हमने दिल्ली से सटे विश्वकर्मा कॉलोनी एक एरिया पड़ता है वहाँ पे, हमने कई सौ बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करके अपने जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट की एक इंस्टीट्यूट हमने बनाई वहाँ पे, जहांगीर खान एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा दी, बच्चों को पढ़ाया। विश्वकर्मा कॉलोनी की बात कर रहे हो आप? जी सर, जी जी। और उन बच्चों को वहाँ पे जो उनके ज़रूरी कागजात थे उनको पढ़ा लिखा कर उन्हें पूरा किया, और उसके बाद में करीब के जो गवर्नमेंट स्कूल थे उन स्कूल में उनके एडमिशन भी करवाए बच्चों के। तो उसके बाद में जैसे जैसे ज़रूरत रही, फिर आप देखें 2023 में दिल्ली में पहली बार 1978 के बाद, आई थिंक 75 के बाद, 75 के बाद दिल्ली में कितना बुरा दौर था, जब 10-10 फीट पानी ने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया, लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, कई हज़ार परिवार उससे प्रभावित हुए। तो उस समय भी क्योंकि ये हमारा एरिया था, हमारी लोकेलिटी थी यहाँ। अभी आप फ्लड की बात कर रहे हो, कब की बात कर रहे हो? ये फ्लड की बात कर रहे हैं सर, अभी तो जुलाई में फ्लड आया था दिल्ली में, विश्वकर्मा में, और हरियाणा तक वो गया था, उत्तर प्रदेश तक वो पानी बाढ़ का, फ्लड का। तो उसमें भी हमने वहाँ पे भी बहुत काम किया, और कई सौ लोगों को जिस तरह की हमसे हेल्प हो सकती थी उस हेल्प को हमने अंजाम दिया वहाँ। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि जब फ्लड की इन्होंने बात छेड़ी है तो हमने भी उस दौरान कवरेज किया। बहुत सारे एनजीओ जो तकियानों की बातें कर रहे थे, विकास के नाम पर वाहवाही लूट रहे थे, वहाँ जहांगीर फाउंडेशन बराबर लोगों की हेल्प कर रहा था, चाहे वो कैंप के माध्यम से हो या फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हो, और हमने आपको दिखाया भी था। हाँ, मुझे याद है सर, उस समय आप आए थे हमारे पास, तो आपने, मैंने आपको एक, अभी उस वक्त दिल्ली में था, मैं दिल्ली में काम कर रहा था विश्वकर्मा में, जब आपसे मेरी मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, तो आपने वहाँ पूछा कि भाई ये संस्था किस तरह चल रही है, मुझे याद है। तो मैंने आपको बताया उसके बारे में कि भाई संस्था को हम अपने रन कर रहे हैं और वहाँ लोगों की भी हेल्प कर रहे थे, आपने एक इंटरव्यू भी किया था। तो वो टाइम पर कुछ पानी उतरा था तो लोगों को मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय, हमने देखा लोगों में आई फ्लू बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों, और फीवर होना शुरू हो गया था, डेंगू ने भी पैर पसारना शुरू किए थे। तो हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगाया था विश्वकर्मा कॉलोनी में, तो वहाँ बहुत कई सौ लोगों ने मेडिसिन वहाँ से ले। फिर हरियाणा की तरफ से हमारे पास मैसेजेस आने लगे, कॉल आने लगे कि यहाँ पर भी आप आएँ, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर हम हरियाणा भी गए, और आई थिंक शायद आप वहाँ पर भी आए थे, वो भी हरियाणा। जी 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 जी, मैंने वो भी कवर किया था। हाँ, वो भी आपने वहाँ का कवर किया था। तारिक साहब, एक सवाल और उठता है कि जो जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट का जो लक्ष्य है उस ओर अभी अग्रसर है क्या, क्या अपनी उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है, कर पा रहा है, क्या कहोगे इस बारे में? सर, उपलब्धियाँ तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट की जो स्थापना थी वो मैंने, मेरे जो मोटो है उस तरफ अग्रसर है अब जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट। हाँ, शिक्षा के लिए है सर, हम शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। शिक्षा सर्वशक्तिमान है वो व्यक्ति जो शिक्षा हासिल करे, और शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा सर्वहित है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, शिक्षा सर्वोपरि, शिक्षा सर्वहित। अच्छा तारिक साहब, एक बात ये भी है कि अगर आप शिक्षा की बात करते हो तो कितने बच्चों को या कितनी बच्चियों को आप शिक्षा मुहैया करा पाए हो अभी तक, इन 5 साल में बात करें, इन शॉर्ट में बात करें? सर, ऐसे तो काउंट करना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन 5 सालों में कई हज़ार ऑन रिकॉर्ड मेरे पास, कि भाई ऐसे बच्चे जो कुछ एडमिशन हुए हमारे पास उन्हें पढ़ाया हमने, और उनको कैंपों के जरिए और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोलकर इस तरह हमने उन बच्चों को पढ़ाया। एडमिशन भी कुछ कराते हो आप, ये कैसे कराते हो जी? कुछ एडमिशन वगैरह भी कराते हैं ये जो बच्चों की जो जो ड्रॉप आउट हो जाती है वो? हाँ, वो एडमिशन का जो सिलसिला है वो मेरी जो मदर हैं फरीदा खान, वो अपना एक एनजीओ चला रही हैं पहचान के नाम से, तो वो अलग है, वो मेरे जहांगीर खान फाउंडेशन से नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एक अलग बराबर एजुकेशन पर फोकस होगा। हाँ, मेरा ये है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया उन बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और उनको रेफर कर दिए गवर्नमेंट स्कूल के लिए, ताकि वो वहाँ पर पढ़ के अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें, वो शिक्षा हासिल कर सकें वहाँ पर। तो शिक्षा ही हमारा सर ये है सर्वहित, और शिक्षा हमारा लक्ष्य है कि हम शिक्षित करें बच्चों को, क्योंकि हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हमारे देश के युवा, हमारे देश के बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी
शिक्षा के महत्व को समझेगी और शिक्षित बनेगी। जी, अगर बात करें कि अभी आप 5 साल सेलिब्रेट कर रहे हो जो आपने जो इस्टेब्लिशमेंट थी एनजीओ की, और उसके बाद 5 साल बिता दिए, खूब हम चाहते हैं खूब आगे बढ़ो और भी हो चीज़ें, लेकिन अगले 5 साल में आपने क्या टारगेट फिक्स कर रखा है? जहांगीर फाउंडेशन इतने बच्चों को एजुकेशन दे पाएगी, या इतने बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। इसमें अगर हम देखें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि साउथ दिल्ली में हमारा ये एनजीओ काम कर रहा है, अभी जो मेरा अगले साल के लिए लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हम ऐसे उन इलाकों में, उन पिछड़े इलाकों में, उन गांवों में या उन शहरों में जो शहर शिक्षित नहीं है, ऐसे वो छोटे शहर जहाँ पर शिक्षा का, ख़ास करके मैं अगर आपको बताऊँ तो वो जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों को पढ़ाने पर उनका कोई फोकस तय रहता ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में, जहां का हमारा बर्थ पैलेस और हमारे बाप दादाओं की खबरें उस इलाके के अंदर, हमारे दादा परदादा की खबरें उस इलाके में हैं, मैं चाहता हूं कि वहां पे मैं एक स्कूल 5वीं क्लास तक का या 8वीं क्लास तक का वहां के बच्चों के लिए बनाऊं, जो कि मैं कभी वहां जाता हूं तो देखता हूं कि वो बच्चे सब खेलते हुए मिलते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 100 नहीं बल्कि कई 100 बच्चे इस तरह वहां पर हैं जिन्हें एक अच्छे स्कूल की दरकार है। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने एजुकेशन, अपनी संस्था के माध्यम से एक स्कूल वहाँ पर बनाऊँ, ये मेरा अगले साल का लक्ष्य है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे पास मेडिसिन है वहाँ पर हम एक इंस्टीट्यूट कायम करें, और एक बड़ा स्कूल अपने दादाजी के नाम से, परदादाजी के नाम से एक स्कूल बनाऊँ उन गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे शिक्षा हासिल कर सके वहाँ पर। ऐसा मेरा अगले साल का, और इस अगले साल तो नहीं, इसी साल का 2024 का लक्ष्य है। 2023 में भी हम वाले 5 साल में आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर पाओ इस जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से। बिल्कुल सर, क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा कि भाई आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आगे चल के आप कुछ और ऊँचे लेवल पर काम करो, कुछ ऐसा लक्ष्य आपने तय कर रखा हो? नहीं, ऊंचे नीचे लेवल तो मतलब बात कर रहा हूँ मैं कि आपने ज़्यादा ब्रांचेज हो जाए जहांगीर फाउंडेशन की और पूरी दिल्ली में फैल जाए या यूपी में आप लेके जा रहे हो, आपने कहा ही है। बस हमारा यही है टारगेट कि हम अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का हमारा लक्ष्य है, कंप्यूटर सिखाने का और उन्हें एजुकेटेड करने का, उसके लिए जैतपुर में भी बहुत बड़ा एरिया है, हमारी विधानसभा बदरपुर विधानसभा एक बड़ा एरिया है, यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं, और आगे भी अगले 5 सालों में अगर अल्लाह ने हमारा साथ दिया और अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े तो हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह बहुत आगे जाएं, अपने एनजीओस के ज़रिए लोगों को हेल्प करें और सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ समाज को लेकर करने के लिए रुचि होती है। हमारे देश भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों में सब में इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा को लेकर भी हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए, और जो लोगों को शिक्षित करना चाहें, जो शिक्षित कर रही हैं संस्थाएँ, हमें उनके साथ बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। बिल्कुल तारिक साहब, ये तो आपके जो ट्रस्ट है उसकी बात हो गई है, लेकिन एक जो भी सोशल वर्क होता है, एनजीओ का काम होता है, एक बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। अगर बात करें फंडराइजर की, बात करें जो फंडिंग होती है किसी को नहीं होती है, तो किस प्रकार से कितनी आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अपने इस जहांगीर फाउंडेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? देखिए संजय सर, हम उतना कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है जी। तो अभी तक तो इन 5 सालों में, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अभी तक इन 5 सालों में तो हमें ज़रूरत पड़ी नहीं जी। हम अपने पर्सनली जो हमारे पास फंड है उससे ही हम चला रहे हैं, लेकिन ये हमने महसूस किया है कि इस जहांगीर फाउंडेशन ट्रस्ट को फंड की बहुत ज़रूरत है और बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये ओवरऑल उस पूरी बदरपुर विधानसभा में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इनको पास अगर फंडर मिलते हैं, फंडराइजर मिल जाता है, फंडर मिलते हैं, तो ये और भी अच्छा काम कर सकते हैं, ये हमने ऐसा महसूस किया। नहीं, किसी भी संस्था के लिए सर, क्योंकि ये जो संस्थाएं होती हैं, इन संस्थाओं को एक दूसरे की कॉपरेट करने के बाद ही आगे बढ़ती हैं। और इस एरिया के अंदर तो सन 2000 में सबसे पहले जैतपुर कोऑपरेटिव स्कूल के नाम से इसकी बुनियाद रखी थी हमने, और लगभग 23 वर्षों से पिछले इस जैतपुर गड्ढा कॉलोनी के एरिया में हम काम कर रहे हैं, पिछले 23 वर्षों से, और शिक्षा पर ही काम कर रहे हैं। तो वही ना कि बहुत फंडिंग की वजह से कुछ कभी कभार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कभी चीज़ें हो जाती हैं।
नहीं, मुश्किलात तो हैं सर, मुश्किलात हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें कोई कैश फंड ना दे, जो ज़रूरियात बच्चों का मटेरियल होता है, स्टेशनरी मटेरियल, वो मटेरियल आके हमें डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई हर्ज की बात नहीं है। उसके अलावा जो भी ज़रूरियात रहती हैं बच्चों की, तालीम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, वो बस, और उसके अलावा कोई कुछ नहीं जी। ये देख सकते हो आप किस प्रकार से 5 साल में इन्होंने किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की हैं, हमने भी देखा, और आने वाले समय में ये किस प्रकार से और एक्टिविटीज़ करते हैं। जहांगीर फाउंडेशन किस प्रकार से लोगों को, लोगों की मदद करता है, या जो बच्चे या बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाते हैं शिक्षा को लेकर, उनको शिक्षा दिलवाता है, इसकी बराबर इस प्रकार की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन।